हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे गुडियर इंडिया लिमिटेड, जो कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 950 रुपये से भी नीचे का शेयर हुआ करता था, और अभी धीरे धीरे इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट अभी नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके आज के हाई की 988 रुपये 70 पैसे इसका आज का ये लो की बात करें 974 रुपये 25 पैसे इसका आज का लो है। 52वीं हाई की बात करें 1208 रुपये इसका 52वीं हाई है। लो की बात करें 686 रुपये 30 पैसे इसका 52वीं लो है। मैक्सिमम की बात कर देते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो जो इसका 52वीं हाई है वही इसका मैक्सिमम है। और अभी जो सिचुएशन है वो ऑफकोर्स जो कि लेने लायक सिचुएशन है, क्योंकि एक बड़ी चीज़ अनाउंस हुई है जिसकी वजह से मैं इसको इवन रिकमेंड कर रहा हूँ एट प्रेजेंट जो सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट जो इसकी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ अनाउंस हुई है ऑफकोर्स जो कि जिसकी वजह से अभी इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं ऊपर जाने के। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो चीज़ें भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ से भरा हुआ शेयर है, 11 स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, बुलिश रिवर्सल, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद लो डेट, नो डेप्ट गाइज, यहाँ पर कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है अभी तक। सो गाइज, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 quarters, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, कंपनी विद 0 promoter pledge, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर, हाई डिविडेंड्स विद राइजिंग डिविडेंड यील्ड ओवर लास्ट 5 years। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें वीकनेस की तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर में होल्डिंग इसकी डिक्रीज की है। इनएफिशियंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, आरओई डिक्लाइनिंग लास्ट 2 years, इनएफिशियंट यूज ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, आरओई डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 years, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, एंड बात करें इसके थ्रेट की तो एक थ्रेट भी है, रेड फ्लैग में रेजिग्नेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। और आज की बात करें तो ऑफकोर्स जो कि यहाँ पर सेलिंग हुई है, कल की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी हुई है, इवन सेलिंग भी काफ़ी सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज अगर बात करें इसकी अभी सेंटिमेंट की तो सेंटिमेंट टोटली जो कि इसका 100% अभी बाय का सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, 0-0 होल्डिंग, सेल 0 है अभी एट प्रेजेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो कि निकल के आई है जिसकी वजह से जो इसका सेंटिमेंट है वो काफ़ी टोटली बाइंग का अभी बन रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट इसमें करीब करीब जो कि 2 गुना के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। सो गाइज, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हल्का सा जो कि मार्च क्वार्टर में हल्का सा जो कि डाउनफॉल देखने को मिला, अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो गाइज यहाँ पर जो करीब करीब मोर देन 3 गुना यहाँ पर जंप आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइज, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सेम सिचुएशन अर्निंग पर शेयर में भी नजर आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो 74% प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग की, 16.44% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, 7.79% यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, 1.75 होल्डिंग यहाँ पर जो कि परसेंट होल्डिंग यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड ने जो कि मार्च क्वार्टर में जो कि होल्डिंग डिक्लाइन की है, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हल्का सा जो कि यहाँ पर प्लस भी किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पीस कंपनी की बात करें तो इस जो कि करीब करीब जो कि लास्ट में जो कि मार्केट कैपिंग में सबसे लास्ट में गुड़ियर का नाम है। अगर बात करें नेट सेल की तो नेट सेल में भी सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन नेट प्रॉफिट में भी नज़र आ रही है। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसकी अभी एट प्रेजेंट जो न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि इसका जो रिजल्ट है जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर जो कि ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। गुडियर इंडिया Q4 रिजल्ट पैट जंप्स ओवर 3-4 टू ₹43 crore। सो गाइज, ये अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, बट नो डाउट कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। सो गाइज, ये ऑफकोर्स जो कि रिजल्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है, पर एक वीडियो के थ्रू मैंने प्रॉपरली ये रिजल्ट भी बताया था प्रॉपर इसको स्टडी करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके जो कि एक बुरी न्यूज़ आ रही है, जो कि 31 मई को ये न्यूज आई थी, यूएस टायर मेकर गुडियर फेसेस
एलिगेशंस ऑफ लेबर अब्यूज इन मलेशिया डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो गाइस, ये 31 मई की न्यूज है। फॉर्मर वर्कर सेड द कंपनी इलीगली कैप्ट हिज पासपोर्ट शोविंग रेउटर्स एन एक्नोलेजमेंट लेटर ही साइंड इन जैन 2020 अपॉन गेटिंग इट बैक 8 ईयर्स आफ्टर ही स्टार्टेड वर्किंग एट गुडियर। सो गाइज ये न्यूज आ रही है जो कि कोलालंपुर से, जिस जो कि एलिगेशन लगाया है एक लेबर ने, जो कि अब्यूज का एलिगेशन लगाया है मलेशिया में, जिस तो ये काफ़ी बुरी न्यूज़ भी है ऑफकोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अभी जो कि टारगेट की बात करें तो एक कंपनी ने टारगेट भी सेट किया, वो भी चेक करेंगे। उससे पहले हम इसका जो कि इसका इसकी न्यूज़ को देख लेते हैं। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से चांसेस काफ़ी हाई हैं ऊपर जाने के। जो ये लेटर दिया है पीएससी और एनएससी दोनों को, जो ये लेटर दिया है गुड़ियर ने, जिसमें फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया गया गाइस, सो रिकमेंड किया गया है यहाँ पर, तो फाइनल रिकमेंडेड जो कि ऑफकोर्स जो कि ऑडिटेड जो रिपोर्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट भी इसी दिन जो कि जो आई थी, इवन रिजल्ट इसका आया था। एंड रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹18 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹80 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2021। सो गाइज ₹98 का यहाँ पर डिविडेंड हो गया जो कि रिकमेंड किया गया है, जो कि डबल डिविडेंड बाय वन गेट वन लाइक डबल डिविडेंड यहाँ पर दिया जा रहा है गाइस जो भी इसके शेयर होल्डर है। एंड डिविडेंड कब दिया जाएगा, द फाइनल डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एट द फोर्थ कमिंग एनुअल जनरल मीटिंग AGM शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन Thursday, August 12, 2021 shall be paid within the statutory time limit to those members whose names would appear in the register of members on Thursday, August 5, 2021। So guys, आपको अगस्त 5 तक ये रखना होगा अपने पोर्टफोलियो में, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि क्योंकि AGM के करीब करीब 7 दिन पहले तक आपको ये अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। तो गाइस ये आप एक तरह से एक्सटेट मान के चल सकते हैं। तो गाइस इसकी एक्सटेट जो कि ऑफकोर्स जो कि अगस्त 5 तक आपके पास ये शेयर होने चाहिए, तभी आप ₹98 के लिए एलिजिबल होंगे। सो गाइस अभी क्वेश्चन आता है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो गाइस अभी तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी लेना चाहिए, क्योंकि अगस्त 5 तक पहुँचते पहुँचते जिस तरीके से जो बड़ी ₹98 का डिविडेंड है, इट मींस कि ये जो नए इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्राइस ऑफकोर्स जो कि बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि 1200-1300 रुपये के आसपास आपको ये शेयर मिले कुछ टाइम के बाद। तो गाइज अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिविडेंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको प्राइस इंक्रीमेंट जो शेयर प्राइस इंक्रीमेंट में जितना प्रॉफिट मिले, मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट लेके आपको मे बी अगस्त 4 तक एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जैसे ही एक्सटेट निकल जाएगी उसके बाद शेयर प्राइस डाउन चला जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिविडेंड है ये, ₹100 का डिविडेंड करीब करीब जो कि गुडियर इंडिया दे रहा है। सो गाइस थोड़ा सा संभल के ही बाई करें, क्योंकि मार्केट टोटली पीक पर है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी जरूरी है। तो गाइस जो भी आपका इवन टारगेट है एट प्रेजेंट, उसका कुछ पार्ट ही खरीदें, कुछ पैसे अपने पास रखें, इन फ्यूचर अगर मार्केट डाउन जाती है, मार्केट के साथ शेयर प्राइस डाउन जाता है, तो आपके पास इतने पैसे ज़रूर हों कि आप उसको एवरेज कर सके। सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।